वेलकम बैक टू इवनिंग वाला दोस्तों, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। MHI 00, आई थिंक MHI 05 आपका हिस्ट्री का कोर्स कोड है और इसका आपका एग्जाम है। जून 2023 के पेपर के बारे में एक डिस्कशन करूंगा यहाँ पर आपके साथ, और उसके बाद आप देखेंगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या इन क्वेश्चंस को करने में आप सक्षम हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप मान सकते हैं आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 इयर्स के पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए आप इग्नू के किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं, अगर आपने लगभग 3 साल के पेपर सॉल्व कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। बात करूं क्वेश्चन पेपर की तो आप सभी देख सकते हैं लगभग 500 वर्ड्स में आपको शब्दों में यहाँ पर आंसर देना है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्राचीन भारतीय इतिहास, हिस्ट्री के बारे में आप सभी को पता है, प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी अनुसंधान, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च के रुझान, रुझान मतलब होते हैं जब किसी चीज के बारे में पक्का अंदाजा ना हो तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं रुझान। जैसे आपने इलेक्शन में सुना होगा कि रुझान हमारे ये बता रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल बताते थे कि बीजेपी जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, तो ऐसी चीजों को रुझान कहते हैं जो हमें पक्का नहीं पता होती। ठीक, उसके बारे में क्या करना आलोचनात्मक टिप्पणी। आलोचना क्या होती है, किसी चीज की कमी निकालना। जैसे आप निकाल सकते हो क्लास अच्छी नहीं है या क्वेश्चन पेपर करा रहे हो, कुछ भी आप कह सकते हो, कमियां निकालना। और हिस्ट्री के बारे में आपको पता ही है, प्री होता है, पोस्ट होता है और एक होता है हिस्ट्री। ठीक, आद ऐतिहासिक, हिंदी में आद ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक, मैं थोड़ा हिंदी में भी लिखूंगा, आद ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और एक होता है आपका इतिहास। ये वो होता है जिसके बारे में हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। ये वो होता है जिसके सोर्स हमारे पास हैं। एक मिनट, सोर्स मतलब होता है साधन, हमें पता लगता है ना सोर्स हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। ठीक, ये वो है जिसमें चीजें मतलब सोर्स हमारे पास हैं और हम यूज कर पाए। एग्जांपल भी आपको दूंगा, आप समझ जाओगे। देखिए, आद ऐतिहासिक को काल होता है जिसमें इतिहास के बारे में ना तो हमें कोई सोर्स मिला, जैसे बुक वगैरह हो गई या कुछ ऐसी चीजें हो गई, जैसे मृतभान बर्तन हो गए, कंकाल हो गए, राजा महाराजा की चीजें ऐसी, मतलब एक एग्जांपल है इस काल के, इसलिए इसमें कोई सोर्स नहीं है, इसे आद ऐतिहासिक कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक वो काल है जिसके बारे में हमें सोर्स मिले, बुक्स भी मिली, चीजें भी मिली, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं इन्हें पढ़ नहीं पाए या उन चीजों को समझ नहीं पाए, उसे क्या कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। एक होता है आपका इतिहास जिसके बारे में अब आप पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह छपी हुई हैं, तो इतिहास वो है जिसमें हमें चीजें मिली, उनके बारे में पता भी है, उनकी उम्र भी पता है, किस वंश से संबंधित है, किस पुराण से संबंधित है, किस किताब से संबंधित है, इसमें पूरी सोर्स होते हैं, इसीलिए इसे इतिहास कहते हैं, यही स्कूलों में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, लगभग 200 BC होता है बिफोर क्रिस्ट, नहीं पता तो जो ईसा मसीह थे ना जिन्हें यीशु कहते हैं, 25 दिसंबर को उनका बर्थडे मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, हालांकि हमारा नहीं है, वेस्टर्न का अंग्रेजों का एक फेस्टिवल है, लेकिन इन दिनों हर जगह से मनाया जाता है। ठीक, तो ये क्या था, 200 से 300 एडी मध्य दूरी के व्यापार के विकास। व्यापार की बात करूं, आप सभी को पता है भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, अलग ही एक केंद्र के रूप में रहा है, चाहे यहाँ के मसालों की बात हो जाए, चाहे यहाँ के कपड़ों की बात हो जाए, चाहे यहाँ के हस्तशिल्प की बात हो जाए, हर एरिया में इसको कोई ना कोई महारत प्राप्त थी। और व्यापार की शुरुआत में आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, एक था कोलंबस 1492, एक था आपके वास्को डी गामा, थोड़ा आपने सुना भी होगा, इसके बारे में शॉर्ट्स वगैरह भी देखी होंगी। तो ये कौन थे, इनका आने का कहीं ना कहीं क्या कारण था हमारे देश में, तो कारण यही था कि यहाँ की चीजों को समझ सके और अपने देश में यहाँ पर चीजें ले जा सके। तो यहाँ पर यही बताना है, मध्य दूरी के व्यापार, तो मध्य दूरी जो मीडियम दूरी उसके व्यापार के लिए क्या क्या विस्तार किए गए, आपको पता है नहीं पता, रेलवे का विकास हमारे यहाँ जो हुआ, थोड़ा नेगेटिव मत लेना कि अंग्रेजों की तारीफ कर रहा हूँ, रेलवे का जो विकास हुआ हमारे यहाँ आप सभी जानते हो अंग्रेजों ने किया, इसका कारण XYZ कुछ भी रहा हो, उन्होंने अपने फायदे के लिए करा हो, सेना के लिए करा हो, लेकिन मेन सोर्स क्या था उनका, यहाँ की चीजें अपने देश तक पहुंचाना, वो अलग बात है, यहाँ का माल सस्ते में लेकर हमें दुगने और चौगुने दामों में उन्होंने बेचा। ठीक, लेकिन जो पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट था वो यही था कि ये इनको विकसित करना था। आपने रेशम मार्ग का नाम भी सुना होगा, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग यात्रियों द्वारा भारत का भ्रमण किया गया और काफी चीजें यहाँ से अपने देश में ले जाई गई। अब बात करूं पॉइंट नंबर आपकी 3 की, इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, पॉइंट नंबर 3 या क्वेश्चन 3,
छह से तेरहवीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन, शिल्प क्या होता है, हस्तशिल्प, हैंडक्राफ्ट जिसे आप बोलते हो, आपने देखा होगा आपके जो दिवाली वगैरह कोई फेस्टिवल होता है, एक तो होता है कि रेडीमेड चीज हम बाजार से लाए और हमने सजावट कर दी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मदर सिस्टर्स जो होती हैं, है ना, वो घर पे ही बनाती है अपने हाथों से, चाहे वो कोई वेस्ट मटेरियल हो, चाहे ऊन हो, चाहे धागा हो, चाहे कोई कपड़ा हो, वो होता है हस्तशिल्प। इंडियंस का इसमें अलग ही एक नाम रहा है और इसे बनाने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है, आप सभी को पता है कई कई घंटों की मेहनत होती है। पश्मीना शॉल का आपने नाम सुना हो तो थोड़ा बहुत फेमस होती है ना, J&K जम्मू कश्मीर या लद्दाख वहां पर यूं कहा जाता है इस शॉल में, शॉल जो होती है इसकी कपड़े की जो चीज होती है, जैसे मैंने अभी ये कोट पहन रखा है, मान के चलिए मेरे छह कोट या मेरी छह जर्सी उस पश्मीना शॉल का एक स्वेटर बराबर होता है, इतनी पावरफुल होती है। अब रीजन है वहां की जो बकरियां होती है कुछ स्पेशल नस्ल की, उनके बालों से बनती है, तो वो कहीं ना कहीं हस्तशिल्प का एक उदाहरण है। इनका प्राइस काफी महंगा हो जाता है क्योंकि इन्हें मशीनें नहीं बना पाती, यही कारण है जो कॉम्पिटिशन वाली मार्केट है, जो मशीनों से चीजें हो रही है वो तो इतनी बिक्री है और जो हमारी हैंडक्राफ्ट है वो इतना नीचे रह गया। हालांकि क्वालिटी इसकी अच्छी होती है लेकिन रीजन क्या है, कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा आ जाता है इनका, इसलिए इन्हें लोग नहीं लेते। मध्यकाल में सिंचाई, सिंचाई आप सभी को पता है जैसे कृषि, आप सभी अपने गांव वगैरह जाते होंगे, खेत वगैरह होंगे, जिसके नहीं भी होंगे तो आसपास तो देखते होंगे, तो सिंचाई क्या है, जो उनको वाटरिंग या जैसे आप पौधों में पानी देते हो ऐसे किसानों को भी पानी लगाना पड़ता है, वो होती है सिंचाई। आपसे पूछा है मध्यकाल में इसके विभिन्न तरीके कौन कौन से थे, शुरुआत बात करूं आप सभी को पता है शुरू शुरू में तो पूरा टोटली हम रेन के ऊपर डिपेंड थे, आपने पढ़ा भी होगा अलग अलग बुक्स में। थोड़ा सा मॉडर्न आया, हमने कुआ लिया, नलकूप लिया, हालांकि नलकूप इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और इसके अलावा कई तरीके की चीजों से हमने तालाब हो गया, धीरे धीरे वहां से यहाँ तक खेतों तक पानी पहुंचाया गया अलग अलग तरीकों से। अभी मॉडर्न टाइम में बात करूं आप ट्यूबवेल कह दो, मोटर कह दो, है ना, या बड़ी बड़ी गाड़ियों से पानी लाया जाता है, तो कई तरीकों से पूरी की पूरी पाइपलाइन नदी से जोड़ के ऐसे ऐसे सोर्स होते। तो आपको मेडिवेल जो आपका मध्यकाल में सिंचाई के सोर्स कौन कौन से थे उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, मध्यकाल में वस्त्र उत्पादन, अभी मैंने ऊपर बात भी की थी कि अपने आप में ही आपको पता है गुजरात का अहमदाबाद मैनचेस्टर कहा जाता है हमारे यहाँ, इंडिया का मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में नंबर 1 है। तो वस्त्र उद्योग या वस्त्र उत्पादन के विकास की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक मतलब कभी निकालनी है, मध्यकाल में वस्त्र उत्पादन के विकास की आलोचनात्मक टिप्पणी या उस पर परीक्षण करके आपको यहाँ पर बताना है। इस काल में कहीं ना कहीं ये काल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चनों को इसमें जोड़कर बताया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डीप पढ़ लेना अलग अलग चीजों से जोड़कर। पार्ट 2 की बात करूं तो मध्यकाल में यात्रियों के ठहरने की सुविधाएं, मध्यकाल में यात्रियों की जो ठहरने की सुविधाएं थी जिसे आप पैसेंजर कहते हो, हम भी कहीं जाते हैं किसी गेस्ट के यहाँ या किसी होटल वगैरह में आप लेते हो, तो उसमें हम सारी चीज क्या देखते हैं, फैसिलिटी देखते हैं, वो फैसिलिटी सुविधा होती है, क्या होती है, सुविधा होती है। तो मध्यकाल में यात्रियों के ठहरने की सुविधा तथा डाक संचार व्यवस्था, डाक वही है, डाक डाकिया डाक किला, संचार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी उनको, उन पर आपको चर्चा करके दिखानी है। वहीं 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारियों तथा बाजारों पर यूरोपीय हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेयर, जैसे दो जने हम काम कर रहे हैं और कोई तीसरा आके बिना बात पे, हम चाहते भी नहीं कि वो हमारी हेल्प करे, अपनी राय देने लगे या हमारे को बीच में ही हमारे काम को रोकने की कोशिश करे, उसे कहते हैं हस्तक्षेप। तो 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारियों तथा बाजारों यूरोपियों में, यूरोपियों के प्रभाव में आलोचनात्मक यहाँ पर परीक्षण करके आपको बताना है, ठीक। और इसके अलावा लास्ट इसमें जो क्वेश्चन बचते हैं टोटल 10 आते हैं, 5 करने होते हैं। 1890 से 1950 के दौरान कृषि उत्पादन की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन थी, इसमें डबल स्टार लगा लो चाहे ट्रिपल लगा लो, कृषि के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाए। 1850 से 1940 के बीच औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप सभी को पता है 1991 की बात करूं तो यहाँ पर तो हमारा ग्लोबलाइजेशन आ गया था, क्या आ गया था, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ये तो पुराने टाइम की बात है ना, कंफ्यूज हो गया थोड़ा हम। चलो औद्योगिकरण के पैटर्न पर आपको चर्चा करनी है, इसका पैटर्न क्या रहा, इससे इसके बीच टोटल इतने समय तक जो भी चीज रही, बात करो देखो 1800 से 1950 प्लस 40 ये कितना हो गया आपका लगभग 96, 96 सालों तक औद्योगिकरण के पैटर्न की कैसी कैसी चीजें रही, किस किस चीज पे काम किया इन्होंने, वो आपको बताना है। और अनफॉर्चुनेटली आपको वॉइस मेरी थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि डायरेक्ट ये रिकॉर्ड हो रही है लैपटॉप से, तो वॉइस को बहुत ही स्लो करें, स्लो करके जब क्लास को देखें, थोड़ी चुभने वाली है, इरिटेट करने वाली हो सकती है, ठीक। रीजन उसके पीछे है, चार्जिंग अचानक ही रुक गई,
ये तो मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी। चलिए उसके बाद आपका अगेन शॉर्ट नोट्स, बलूत, बलूतेदार कौन होते हैं, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, आसान क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, जनजातीय समाज पर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव और पंचवर्षीय योजना, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन कह दो या आप कुछ भी कह दो। पंचवर्षीय क्या होता है आपका, फाइव ईयर प्लान कब शुरुआत हुआ, 1951 में हुआ, 1955, बीच बीच में जब हमारी कुछ दिक्कतें आ गई, जैसे चाइना के साथ फाइट होगी, पाकिस्तान के साथ फाइट होगी 1965 या 1961, तो उसमें फाइव ईयर प्लानिंग पे थोड़ा सा हमारा क्या लग गया, ब्रेक लग गया, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हुई। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, ये कुछ ऐसा होता है जैसे अभी न्यू ईयर आएगा 2024 पे, आप टारगेट रखो, बॉडी बनाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और बुरी आदतें छोड़ूंगा। तो पंचवर्षीय योजना में जो चीजें बनाई जाती है वो देश के लिए बनाई जाती है, इस सेक्टर में इतना पैसा लगाएंगे, इसको इतना सुधारेंगे, कुछ इस तरीके से आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। और बाकी इसी तरह से आप हम सबसे जुड़े रह सकते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।